पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के प्रासंगिक पत्र 21 जून 2023 द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। इस आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के लिए लोकसभा क्षेत्र 101 गोपालगंज के लिए पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के तहत सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और बीएलओज को निर्धारित सूची से संबंधित अधिनियम, नियम और दिशा निर्देशों तथा पदाधिकारी तथा अद्यतन आईटी एप्लीकेशन से संबंधित प्रशिक्षण के कार्यक्रम का निर्देश प्राप्त है। उक्त आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर पूर्व निर्धारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित किया गया। मतदान केंद्रों पर युक्तिकरण और मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व की गतिविधियों पर उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आरओ नेट और फार्म 6, 7 और 8 के निस्तारण पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात 20 जुलाई तक सभी अलग अलग प्रखंड में प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन, मतदाता का डोर टू डोर सत्यापन और पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों को विस्तार से बताया जाएगा। चुनावी वर्ष होने के कारण निर्वाचन संबंधी सभी गतिविधियों की बड़ी बारीकी से जानकारी दी जा रही है, जिससे आगामी चुनाव में किसी प्रकार की असुविधा या त्रुटि न हो पाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, DCLR गोपालगंज वीरेंद्र कुमार के साथ साथ सभी प्रशिक्षु मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे। वाहन जांच के दौरान चोरी बाइक के साथ 2 बाइक चोर को माझागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि माझागढ़ थाना के SI विनोद कुमार यादव ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के सिकमी गांव के समीप उच्च पथ 27 पर सोमवार की शाम वाहन जांच कर रहे थे। इसी बीच पुलिस के गाड़ी देख हीरो सुपर स्प्लेंडर पर सवार 2 युवक भागने लगे। पुलिस ने भाग रहे दोनों युवकों को पीछा कर दबोचने के बाद बाइक की कागज मांगने पर नहीं दिखा सके। बाइक की नंबर जांच करने पर बाइक चोरी की पाई गई थी। पुलिस दोनों युवकों पर FIR दर्ज कर पूछताछ करने के बाद मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान गोपालगंज नगर क्षेत्र के काकड़कुंड गांव के विश्राम सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह और अशोक के पुत्र मनीष कुमार सिंह के रूप में की गई है। 6 जुलाई 2023 को गोपालगंज बंजारी से माझागढ़ थाना क्षेत्र के मुगराहा गांव निवासी रामजी प्रसाद की बाइक चोरी कर ली गई थी। बाइक चोरी के मामले में पुलिस FIR दर्ज कर बाइक तलाश कर रही थी। श्रीपुर OP थाना की पुलिस ने जिन बाजार चौक से एक टेम्पो को पकड़ा है जिस पर भारी मात्रा में विदेशी शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा जब उसकी जांच की गई तो उस टेम्पो के अंदर पुलिस ने 1536 पीस 8 PM ऑफिसर च्वाइस, जिसकी मात्रा 276.48 लीटर बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया और इस गाड़ी पर सवार शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी दिलीप कुमार साहनी ककरा चौक पनास थाना बोचहा जिला मुजफ्फरपुर का निवासी है। तो वहीं एक और मामले में पुलिस ने शराब को जादोपुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच करते हुए मंगलपुर पुल के पास से पकड़ा है। यहां भी टेम्पो में शराब लेकर तस्कर जा रहे थे। इसमें 540 पीस बंटी बबली देशी शराब पकड़ी गई, जिसकी कुल मात्रा 108 लीटर बताई जा रही है। इसमें से 2 शराब तस्कर विजय यादव और फुलेना यादव को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों मामलों में शराब तथा वाहन को जब्त करने के बाद पुलिस ने तीनों शराब तस्करों को जेल भेज दिया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश प्रायोजित अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन बरौली विधानसभा अंतर्गत प्रखंड माझा के 6वीं पंचायत में शंभु यादव की अध्यक्षता में की गई, जिसका संचालन प्रखंड प्रधान महासचिव इमरान के द्वारा किया गया। और बताया गया कि आज देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तार तार किया जा रहा है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हमारे दलित, वंचित, शोषित, गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के
भविष्य अंधकार में हमेशा के लिए डूब जाता। साथ ही पंचायती राज के जिला अध्यक्ष सुमन कुमार यादव ने बताया कि आज महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और देश में भारतीय जनता पार्टी नफरत की माहौल की बीज बो रही है। वहीं हिंदू मुस्लिम करने पर तुल गई है। मुख्य प्रवक्ता के रूप में हमारे प्रखंड प्रभारी पूर्व जिला पार्षद छोटेलाल चौधरी, राजद प्रखंड अध्यक्ष श्याम बहादुर यादव, रंजीत यादव, अशोक यादव ने भी अपनी बातें रखी। अम्बेडकर चर्चा में उपस्थित कुंदन राम, संजू राम, चंदन राम, नीरज राम, उर्मिला देवी, कमलावती देवी, आशिक राम, कोलू राम, अजय राम, अमरेश यादव, तौकीर अहमद, अशोक यादव, मनु राम आदि लोग उपस्थित रहे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जमकर नारे लगाए। भाजपा भगाओ, देश बचाओ बाबा साहब के सपना था, भारत बचाओ बाबा साहब ने कहा, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी आपका लड़ाई आज़ादी का दिन अपने सपनों को साकार होगा। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, जिसके पद चिन्हों पर राष्ट्रीय जनता दल आज पंचायत स्तर पर दलित बस्ती में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यक्रम को डोर टू डोर कर घर घर जाकर राजद कार्यकर्ता कर रहे हैं। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहाँ कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, डीएवी हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव, 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच, ग्राहक स्वयं करें, वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBC पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम, NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 सेशन। JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। बरौली प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार पासवान की देखरेख में जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि 11 जुलाई से 30 जुलाई तक परिवार नियोजन पखवाड़े की सफलता को लेकर बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मंगलवार को चिकित्सा पदाधिकारी की देखरेख में स्वास्थ्य कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली बरौली PSC से थाना चौक तक गई। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं से परिवार नियोजन जागरूकता को लेकर, महिलाओं से परिवार नियोजन कराने और पुरुषों से नसबंदी कराने की अपील की गई। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने परिवार नियोजन जागरूकता रथ को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी देते चलें कि प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक नीरू सिंह ने बताई कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आशा, आंगनबाड़ी सेविका और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा परिवार नियोजन के अस्थायी और अस्थायी साधनों की जानकारी दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार नियोजन पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सही उम्र में शादी, पहले बच्चे में देरी, बच्चों के बीच सही अंतर तथा छोटा परिवार के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ये पखवाड़ा 11 जुलाई से 30 जुलाई तक की जाएगी। इस दौरान परिवार नियोजन से संबंधित सभी सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा आम जनमानस को पुलिस के माध्यम से सुरक्षा देने के प्रयास में कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज पुलिस ने सभी थानों पर आवेदन देने के बाद
उसकी रसीद देने का निर्देश दिया, जिसमें सभी थानों के द्वारा आवेदनकर्ता को रसीद देते हुए 15 दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने होंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी निर्देश के बाद इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, ताकि जाँच करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय कर आवेदनकर्ता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने में शीघ्रता किया जाए। थाने स्थानीय प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्घाटन चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने फीता काटकर किया। इसके पहले 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक दंपति संपर्क पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें सभी आशा कार्यकर्ता ने अच्छे दंपतियों की सूची तैयार किया। मंगलवार को जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत की गई। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसको लेकर परिवार नियोजन मेला भी लगाया गया। पखवाड़े को जागरूक करने के लिए CHO, आशा कार्यकर्ता, ANM और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही मुखीराम हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जिसको चिकित्सा प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली थावे दुर्गा मंदिर, थावे बस स्टैंड, थावे बाजार, विदेशी टोला, रिखई टोला, चीतू टोला और गजहादर टोला होकर गुजरी। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी, PCM गुड़िया कुमारी, यूनिसेफ के संजय सिंह, CHO कविता शुक्ला और मुकेश कुमार सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। भोरे प्रखंड के लामी चौर कावे मुख्य सड़क पर इन दिनों नाले में तब्दील हो गया है। यह केवल बरसात के मौसम की बात नहीं है, यह स्थिति कमोबेश हमेशा बनी रहती है। यह सड़क लगभग 50,000 से ज्यादा आबादी, लगभग दर्जन भर से अधिक गांवों को और 3 पंचायतों को आपस में जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की भवानी छापर को जाती है, और इस मुख्य सड़क पर विशेषकर लामी चौर बाजार, पुरानी बाजार, पियरोटा तक फैला हुआ है। पियरोटा तक पैदल यात्रा करना काफी मुश्किल है, और तो और आम जन व्यक्ति, स्कूली बच्चे तो इस गड्ढे में अक्सर गिर ही जाते हैं और घायल भी होते हैं। सड़क नाले में तब्दील होने के मुख्य कारण अतिक्रमण है। स्थानीय जनता इसके लिए जनप्रतिनिधियों को दोषी मानती है। लोगों का कहना है कि कई बार हल्की फुल्की मरम्मत के नाम पर दरिया दिली दिखाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा एक आध बार ईंट का टुकड़ा गिरवा दिया जाता है और श्रेय लेने की होड़ में अपने को शामिल करवाते फिरते हैं। कुछ भी हो, जनता का हक है सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसे सामाजिक मुद्दों के लिए सरकार और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सवाल करना जायज है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांझा में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया गया। स्थिरता पखवाड़ा को लेकर साइकिल रैली भी निकाली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर माझागढ़ बाजार होते हुए कर्णपुरा वृत्त टोला होते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर वायस आ गया। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का उद्घाटन चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनीश कुमार और पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर खुर्शीद जमाल ने किया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार, BCM सुनील कुमार, CHO डॉक्टर संतोष कुमार और STS सूरज गुप्ता, संजय कुमार सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।